नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी, हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। सभी को मकर संक्रांति की ढेरों 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 शुभकामनाएं इन एडवांस। मकर संक्रांति का दिन मतलब आज के दिन सूर्यदेव अपने धनु राशि को छोड़कर के मकर राशि में प्रवेश करते हैं, अपने बेटे शनिदेव के घर में। इसीलिए आज के दिन को मकर संक्रांति कहा जाता है। मकर संक्रांति वाले दिन दोस्तों, जितने भी आप शुभ कार्य करना चाहें उतना करें। आज के दिन आप जितना ज्यादा धार्मिक कार्य करेंगे, जितना ज्यादा दान पुण्य करेंगे, आपकी किस्मत 16 कलाओं में चमकती है। आप देखना, अगर आप आपकी लाइफ में बहुत लंबे समय से कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन मकर संक्रांति वाले दिन आपको वो काम होने की योग बनते दिखाई देंगे। कितनी ही आपकी लाइफ में असफलताएं हो, लेकिन मकर संक्रांति वाला दिन कुछ न कुछ अच्छी चीज आपके लिए लेकर के आता ही आता है, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा है। सूर्य जिसके भी मजबूत है, इंसान को ओरिजिनल मान सम्मान देता है। कई लोग मान सम्मान प्राप्त करने के लिए बहुत हल्के और बहुत ही ऐसे कर्म करते हैं कि ये देखो मुझमें एक क्वालिटी है। आपने देखा होगा मीडिया में बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हैं, कई ऐसे फिल्मी स्टार्स भी हैं, जो अपने को सेलिब्रिटी दिखाने के लिए, लोगों की नज़र में अपने आप को लाइव रखने के लिए कैसे कैसे कृत्य करते हैं। कहीं जाएंगे, किसी स्टार से मिलेंगे, कहीं जाएंगे किसी फेमस व्यक्ति से मिलेंगे, उसके साथ फोटो खिंचवाएंगे, उसके साथ अपना इंटरव्यू देंगे। अरे यार, क्या तुम खुद कुछ भी नहीं हो? वो हैं, अपनी ताकत पर है। तुम भी आगे बढ़ो अपनी ताकत पर। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो तो अपने नॉलेज को सार्व करो, पब्लिक को अच्छा नॉलेज दो। किसी के साथ जाकर फोटो खिंचवाने से, या वो आप बोलेगा कि नहीं ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर है, मान लो इसको, पब्लिक मानेगी नहीं। हाँ, आप चैनल बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये दम्भ है। लोगों को एक तरीके का धोखा देना है, इससे अच्छा है आज मकर संक्रांति है सूर्य पूजा करो। आपके अंदर ओरिजिनल ज्ञान आएगा। खुद हनुमान जी, इन्होंने सूर्य पूजा की थी, सूर्य देव को अपना गुरु बनाया था और उनसे ज्ञान प्राप्त किया था। अगर आप एस्ट्रोलॉजर हो, अगर आप धार्मिक कार्य से जुड़े हो, अपनी पूजा पाठ को, अपने ज्ञान ध्यान को ओरिजिनल जगह पर ले जाओ। सच में ध्यान करो, ये मत कहो मेरे घर में पूजा में ये है। अगर कहीं भगवान है, किसी से छुपते नहीं है। ये सूर्य की रोशनी को कोई छुपा पाया नहीं। अपने स्वार्थ में भगवान जैसे भगवान को बदनाम ना करें। कई लोग मैं देखती हूँ कि यूट्यूबर बहुत दम्भ कर रहे हैं, बहुत दम्भ, क्योंकि वर्षों से बैठे थे, उनके चैनल में कोई आता ही नहीं था, तो उन लोगों ने ऐसे ऐसे दम किए और पब्लिक को धोखा देना शुरू किया। कई बार फिल्मी स्टार्स को भी मैं देखती हूँ कि वो ऐसे ऐसे जगह जाते हैं, फिर ऐसे इंटरव्यू लेंगे, फिर अपने आप को दिखाएंगे, देखो मैं ये हूँ। अरे तुम ये हो तो अपने आप को साबित कर दो। अगर आप सच में एक्टर हैं, लोग आपको, आपकी एक्टिंग को सच में पसंद करेंगे, है ना? आपका नॉलेज अच्छा है, सच्चा है, लोग ऑटोमेटिकली आपको पसंद करेंगे। तो अगर आप सूर्य पूजा करते हैं तो आपको दम्भ नहीं करना पड़ेगा, पाखंड नहीं करना पड़ेगा, सच में आप चमक जाएंगे। आज के दिन सूर्य पूजा करने से दोस्तों, व्यक्ति की किस्मत चमकती है, उसका मान सम्मान सच में सही दिशा में और सही ढंग से बढ़ता है। आज के दिन सूर्य देव को जब आप जल चढ़ाते हैं, उसमें तिल और गुड़ जरूर मिला देना। तिल गुड़ इसलिए मिलाया जाता है कि आज सूर्य देव जब शनि देव के घर में प्रवेश करते हैं, तो शनि देव ने उनका स्वागत ही तिल और गुड़ से किया था, और इसीलिए आज तिल गुड़ खाने का बड़ा महत्व है, तिल और गुड़ का दान देने का बड़ा महत्व है। आज के दिन तिल गुड़ से हवन पूजा करने का बड़ा महत्व है। आज के दिन तिल का जितना ज्यादा हो सके दोस्तों दान करें। आज भगवान सूर्यदेव के जल में भी ये चीज मिलाए, साथ में हल्दी और लाल चंदन भी जरूर डालें। इससे आपके नौकरी धंधे भी बढ़ते हैं, दूसरा आपका मान सम्मान और आपकी जो ओरिजिनल शक्ति है आपके अंदर, वो सच में चमकती है, उधार ली हुई चीज नहीं। अगर आप ओरिजिनल कुछ हैं तो आपको उधार की जरूरत नहीं। अगर आपकी खुद की पहचान में ताकत है तो आप किसी और की पहचान की मदद लेने कभी नहीं जाएंगे। अपने आप को अपने ही नजरों में पहले सम्मान दो, तब दुनिया आपको सम्मान की दृष्टि से देखेगी, है ना? जो सूर्य पूजा करते हैं दोस्तों, आप देख रहे हैं उनके अंदर आत्मा की शक्ति गजब की होती है।
गजब की। सूर्य आत्मा के कारक है। सूर्य की पूजा करने वाला व्यक्ति, माणिक धारण करने वाला व्यक्ति, हमेशा उसकी प्रतिभा ऐसी चमकती है कि शत्रु उसके सामने जल्दी टिकते ही नहीं है। सूर्य की ज्वालाओं के सामने टिकने की किसकी ताकत है? कोई नहीं टिकता, क्योंकि जो आत्मा की शक्ति है इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। ये बिल्कुल फैक्ट है। जिसकी आत्मा की शक्ति जागती है वो तो जाकर के जंगलों और वीरानों में बैठ गए हैं, ध्यान लगाया है, आत्मा की शक्ति को जगाया है ना? गायत्री स्तवन में आपने सुना होगा, पावन बना दे हे देव सविता, है ना? तो आज के दिन सच में पावन बने, उठते के साथ सूर्य देव को प्रणाम करें, आज स्नान के पानी में गंगा जल डालें। आज गंगा नदी में स्नान करने का बड़ा महत्व है, संभव हो सके तो स्नान करें नदी में, गंगा नदी में जाकर के। और गंगा नदी पर आज आप एक घी का दिया, पुष्प, थोड़ा कच्चा दूध जरूर गंगा जी को अर्पित करें। जीवन पावन पावन हो जाएगा, दम और पाखंड से दूर हो जाएगा। लोग जिस चीज के लिए, आप देखो कितने लोग सेलिब्रिटी बनने के लिए फिफिया रहे हैं, फाफे मार रहे हैं, कैसे कैसे कृत्य कर रहे हैं। लोगों को पैसे देते हैं, वहां जाकर के अपना इंटरव्यू देते हैं, मुझे देखो मैं ये हूं, अरे ये हूं तो मेहनत करो, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? तो सूर्य की शक्ति को आज जगा लेने वाला दिन है। स्नान के पानी में गंगा जल मिलाए, तिल मिलाए। आज के दिन स्नान के पानी में तिल डालने से आपके पुण्य उदित होते हैं, पापों का नाश होता है। आज के दिन जितना ज्यादा हो सके गायत्री मंत्र बोले, जितना ज्यादा हो सके सूर्य देव का मंत्र बोले, ओम सूर्याय नमः सहस्त्र किरणाय ह्रीं स्वाहा। आपकी किस्मत सच में 16 कलाओं में चमकेगी। आज मांगा, कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना रही हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछे अवश्य। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि ग्रीन एवेंचुरियन पर अभी सेल लगा हुआ है। जिन्होंने अभी तक ग्रीन एवेंचुरियन नहीं लिया है मंगवा लें, फिर बाद में ये मत कहना कि फिर से सेल ओवर हो गया और हमें ये चीज़ नहीं मिली। जरकर की अंगूठी इस साल जरूर पहन लें, जो भी हमारे विमर्श है सत्संग किस्मत चमकेगी। जय श्री कृष्ण।